वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फोर मूवीज में। आज हम बात करने वाले हैं सूर्या की अपकमिंग मेगा बजट पैन इंडिया फिल्म यानी कि कंगुआ के ट्रेलर के बारे में। तो आज जो है फिल्म का तकरीबन 2.5 मिनट के आसपास का एक ट्रेलर जो है रिलीज किया गया है, जहां पर ट्रेलर की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली ट्रेलर के अंदर जो विजुअल्स हमें देखने को मिल रहे हैं वो ग्रैंड नजर आ रहे हैं। लग रहा है कि फाइनली मतलब अब जो है पैसा सही जगहों पर जो है लगाया जा रहा है। विजुअल्स में कहीं पर कोई कमी जो है पूरे ट्रेलर में नजर नहीं आती है। इवन एक्शन सीन्स के अंदर भी अगर आप देखोगे तो कुछ जगहों पर कुछ क्रेजी चीजें यहां पर होती हुई नजर आ रही हैं। पर अगर ट्रेलर लेवल की मैं बात करूं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, ट्रेलर कहीं ना कहीं वो एक जो सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, वो जो एक्साइटमेंट बढ़नी चाहिए एक ट्रेलर को देखकर, वो दे नहीं पाता है। देखिए, मुझे पर्सनली पता है कि क्यों इस ट्रेलर को रिलीज किया गया है, तो उस नजरिए से मैं देखूं तो ठीक है। अगर वो सोचते हैं कि अगर इस तरीके से काम किया जाए तो उनका दूसरा काम जो है पूरा हो जाएगा, तो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अलग केस है, उसके बारे में वो बेटर जानते हैं और उस पर मुझे ओपिनियन देने का भी कुछ खास अधिकार है नहीं। पर मुझे पता है कि क्यों ये ट्रेलर इतने जल्दी रिलीज किया गया है। इतने मतलब कह सकते हैं कि काफी समय बाकी है, एक और ट्रेलर डेफिनेटली आएगा, पर इतने पहले इतना बड़ा ट्रेलर क्यों रिलीज किया गया है वो मैं जानता हूं। अभी कुछ दिनों पहले ही एक ट्रेलर आया था, वो भी सेम इसीलिए ही जो है रिलीज किया गया था और इसे भी जो है सेम उसी लिए ही जो है रिलीज किया गया है। इसीलिए अगर आप ट्रेलर को देखोगे तो सिर्फ एक एक्शन ट्रेलर के तौर पर ये ट्रेलर नजर आता है। एक्शंस, विजुअल्स, इन्हीं की नुमाइश करने के लिए जो है ट्रेलर को प्रेजेंट किया गया है। तो बेटर ये रहे कि मेकर्स जो है एक्शन ट्रेलर के तौर पर रिलीज करें, लिख दें कि भाई ये एक्शन ट्रेलर ही है, एक्शन के तौर पर ही आप जज कीजिए, ऐसा कुछ जो है ऑलरेडी आपको बता देना चाहिए। पर अगर एक ट्रेलर के तौर पर अगर आप देखोगे तो सिर्फ एक्शन एक ट्रेलर को सेटिस्फाइंग नहीं बनाता है। प्रॉपर बिल्डअप, प्रॉपर डायलॉग्स, एक प्रॉपर एलिवेशन जब होता है कुल मिलाकर, तब एक ट्रेलर जो है कनेक्ट कर पाता है। ट्रेलर के अंदर ही 2-2.5 मिनट के अंदर ही जो है एक कनेक्शन बैठना चाहिए। वो इमोशनल हो सकता है, वो मास लेवल पर हो सकता है, वो बैठना चाहिए। पर अगर आप शुरू से लेकर अंत तक केवल एक्शन 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 ही दिखाओगे तो हो सकता है कि जो सिर्फ एक्शन देखने वाले हैं उन्हें लगे कि वाओ कुछ कमाल का, कुछ खतरनाक आ रहा है। पर अगर कोई सिर्फ मूवी देखने के लिए जा रहा हो, उसे एक्शन के साथ इमोशन चाहिए, ड्रामा चाहिए, एलिवेशन चाहिए, तो वो डाउट में आ सकता है कि भाई इस फिल्म के अंदर सिर्फ एक्शन ही है या फिर दूसरी चीजें भी जो है आ सकती हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि ट्रेलर के अंदर इतना कुछ नजर आने के बावजूद भी ट्रेलर थोड़ा सा अधूरा अधूरा सा जो है एक फील दे जाता है। बाकी अगर बात करें सूर्या की तो नो डाउट कमाल के नजर आ रहे हैं। इवन लुक की बात कर लो, बॉडी लैंग्वेज की बात कर लो, वॉइस में वो मॉड्यूलेशन की बात कर लो, जो डायलॉग डिलीवरी है उसकी बात कर लो, कमाल के नजर आ रहे हैं। अब अगर एक्शन की मैं बात करूं तो नो डाउट कुछ जगहों पर डेफिनेटली एक नयापन नजर आता है, एक्शन के अंदर एक इनोवेटिव अप्रोच नजर आ रहा है। पर उसके साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो काफी जगहों पर काफी ऐसे फ्रेम्स हैं ट्रेलर में, अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर वैसे तो आजकल हर कोई राजामौली जी का फैन है इंडिया में, तो अगर आप उसे ध्यान से देखोगे तो काफी ऐसे फ्रेम्स, शॉट्स हैं यहां पर, चीजें हैं इस ट्रेलर के अंदर जहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो लगेगा कि हां ये चीज जो है राजामौली जी के काम से इंस्पायर होकर जो है यहां पर डिजाइन की गई है। मुझे तो काफी जगहों पर ऐसा फील हुआ, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, पर वो फिल्म लेवल पर ज्यादा ना आए तो ज्यादा बेटर है। ट्रेलर लेवल पर चलता है कोई बात नहीं, पर पूरी फिल्म में ज्यादा कुछ इंस्पिरेशन ना हो तो बेटर रहेगा। देखिए, मेकर्स की यहां से एक जो स्ट्रेटजी देखने को मिल रही है उसकी अगर हम बात करें तो काफी एक तरह से अच्छी है कि आप देखोगे तो पोस्टर वगैरह में हर तरफ जो है अब तक जो है दोनों सूर्या को दिखा दिया गया है। पीरियड और मॉडर्न दोनों ही समय में जो है जो सूर्या नजर आने वाले हैं उनको दिखा दिया गया है, पर अभी तक किसी भी प्रमोशनल कंटेंट में मॉडर्न टाइम वाला जो सूर्या रहेगा उसको नहीं दिखाया गया है। तो ये चीज अगर मेकर्स होल्ड करके रखते हैं, अगर उन्हें कॉन्फिडेंस है कि मॉडर्न टाइम वाला जो कंटेंट है वो और नेक्स्ट लेवल का है, तो अगर वो उसे होल्ड करके रखते हैं तो मेरे पर्सनली ऐसा मानना है कि वो चीज कहीं ना कहीं हिट में काम कर सकती है, एक एक्साइटमेंट दे सकती है कि भाई उस जोन में क्या हो रहा है। अब ये चीज भी कुछ लोगों के लिए काम कर सकती है, कुछ लोगों के लिए बैकफायर कर सकती है। ये तो जो है जस्ट मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि चलो उसे होल्ड करके ही रखते हैं, उसे फिल्म में दिखाते हैं। पर एक बार मुझे याद नहीं किसने, प्रोड्यूसर ने, डायरेक्टर ने, किसने इंटरव्यू दिया था, उसने कहा था कि फिल्म
के अंदर जो मॉडर्न वाला पोर्शन है वो ज्यादा है और पीरियड वाला कम है, पर जितने कंटेंट्स आ रहे हैं उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि पीरियड कंटेंट जो है वो ज्यादा है और मॉडर्न वाले पोर्शंस जो हैं वो कम हो सकते हैं। अब पता नहीं सही क्या है, बट मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि जितने भी कंटेंट्स आए उससे प्रॉपर एक्सपेक्टेशंस जो है मेकर्स सेट कर लें, ताकि फिल्म देखते समय कुछ बैकफायर ना हो जाए। इंटरव्यू के द्वारा, किसी के भी द्वारा जो है एक प्रॉपर एक्सपेक्टेशंस जो है यहां पर फिल्म को लेकर सेट हो जानी चाहिए। वैसे तो बहुत ही फास्ट तरीके से इस ट्रेलर को कट किया गया है, ज्यादा कुछ देखने और समझने का समय ये ट्रेलर देती है नहीं, पर फिर भी तीन ऐसे शॉट्स हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। पहला है ये शॉट, जहां पर आप देखोगे तो सूर्या के एक्सप्रेशंस ऐसा लग रहा है कि शायद इस सीन में सूर्या मर रहे हैं या फिर उनका कोई अपना जो है यहां पे मर रहा है। मे बी सूर्या भी मर सकते हैं या फिर घायल हो सकते हैं इस पर्टिकुलर सीन के अंदर, और जिस तरीके से वो अपने सामने वाले को देख रहे हैं ऐसा लग रहा है कि सामने वाले ने उन्हें धोखा दिया है या फिर उनका सामने वाला ही जो है कोई मर रहा है, तो ये सीन से पता चल रहा है। अब है दूसरा सीन जो मुझे पर्सनली इस पूरे ट्रेलर में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नजर आया, जहां पर उस शॉट से पहले आप ये शॉट देखिए जहां पर बॉबी देओल बैठे हुए हैं और उनके पीछे आपको एक लाल कलर का जो है कपड़ा नजर आ रहा है। अब इस कपड़े को याद रखिए और देखिए ये वाला शॉट, यहां पर आपको साफ नजर आएगा कि यहां पर सीढ़ियों में नीचे जो है बॉबी देओल है और ऊपर जो है यहां पर सूर्या है, और सूर्या जिस तरीके से सीढ़ियों को चढ़ रहे हैं साफ पता चल रहा है कि वो यहां पर घायल हैं। अब इस सीन में इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आप देखोगे तो ये चीज थोड़ी सी अजीब जरूर फील होगी कि इतनी सारी सीढ़ियों को चढ़ने के बाद भी अगर आप देखोगे जो टॉप पर जो है आपको कुछ नजर नहीं आता है, मतलब कुछ हो ऐसा यहां से नजर नहीं आता है। इवन ट्रेलर के एक और शॉट में बॉबी देओल जो है एक बंदे को यहीं से फेंकते हुए नजर आ रहे हैं और वहीं पर सूर्या भी जो है अब चढ़ते हुए जा रहे हैं। अब सूर्या वहां पर चढ़ते हुए जा रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। कुछ ना कुछ इस जगह पर जरूर होने वाला है। मे भी हो सकता है कि इस जगह का कनेक्शन मॉडर्न टाइम के साथ कुछ हो सकता है, या फिर यहीं से सूर्या जो है मरेंगे, क्या होगा वो जो है बाद में हमें पता चलेगा, पर कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग इस जगह पर जरूर है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ट्रेलर का जो आखिरी शॉट है वहां पर एक बंदा आ रहा है जिसको दिखाया नहीं गया है। तो वैसे तो आप में से काफी लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा कि इस फिल्म में कार्तिक का जो है गेस्ट अपीयरेंस होने वाला है। इवन प्रोड्यूसर ने भी जो है रिसेंटली इनडायरेक्टली कंफर्म किया है कि फिल्म में एक सरप्राइज कैमियो है, तो ये शायद कार्तिक हो सकते हैं। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये वो है या नहीं है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ट्रेलर में सुनाई दे रहे हैं बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ जगहों पर ओके है। लास्ट में कंगुआ कंगुआ वाला जो है वो अच्छा लगा मुझे, पर बीच में अगर आप देखोगे तो लास्ट से थोड़े पहले जो है आपको एक ट्रैक सुनने को मिलता है जो हेविली इंस्पायर्ड नजर आता है कल की फिल्म के क्लाइमेक्स बैकग्राउंड म्यूजिक से। इसके अलावा ट्रेलर जो है तमिल के साथ साथ हिंदी भाषा में भी आया है, ऑडियो आपको चेंज करके देखना पड़ेगा। हिंदी डबिंग की अगर मैं बात करूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतने साल हो चुके हैं, शायद ये पहली मतलब ऐसी फिल्म आ रही होगी जो इतने बड़े बजट पे बनाई जा रही है जिसमें सूर्या जैसा एक पॉपुलर एक्टर है, मतलब जिसकी फैन फॉलोइंग हिंदी ऑडियंस के बीच में अच्छी खासी मतलब सही में काफी सॉलिड है, ऐसे एक एक्टर की फिल्म, इतनी बड़ी फिल्म आ रही है और इतनी खराब डबिंग जो है ट्रेलर में देखने को मिली। मतलब ट्रेलर के मैंने बस हिंदी, मतलब जस्ट ये वीडियो बनाने से पहले एक बार मैंने हिंदी ट्रेलर प्ले किया ऑडियो शिफ्ट करके, सुना मैंने, मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई घर पे बैठा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि कोई ऑफिस स्टूडियो में, मतलब कोई आते जाते लोग जा रहे हैं, भाई इधर आ दो लाइन डब करनी है, इधर आ दो लाइन बोलते जा, ऐसा डब हो रहा है। मतलब बॉबी देओल की आवाज, अरे बॉबी देओल से खुद से डब करवा लो यार, ना प्रॉपर मिक्सिंग हुई है, ऐसा लग रहा है कि आवाज जो है कैरेक्टर से कहीं दूर से आ रही हो, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कैरेक्टर के गले से आवाज आ रही है। बाद में जो डायलॉग्स भी इवन लिखे गए हैं वो भी कुछ अच्छे तो है नहीं ट्रेलर लेवल पर। डबिंग सच बता रहा हूं, मतलब पैन इंडिया लेवल पर थिएटर में आने वाली है, बड़े स्केल पे रिलीज होने वाली है, ऐसी एक फिल्म की इतनी सस्ती डबिंग होगी ये मैंने सोचा नहीं था, और सूर्या के लिए तो बिल्कुल नहीं। मतलब मैं काफी बार बोल चुका हूं, आज भी बोलता हूं कि आज के टाइम में तमिल फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि अब विजय रिटायर ही हो जाएंगे दो फिल्म के बाद, आज के टाइम में अगर तलपति विजय के बाद किसी भी एक्टर का चांस है तमिल फिल्म इंडस्ट्री से पैन इंडिया लेवल पर कुछ करने का, अपना नाम बनाने का, तो वो सूर्या ही है। और मे भी
भी हो सकता है कि जस्ट क्योंकि उन्हें ट्रेलर रिलीज करना ही था आज कुछ कारणों के वजह से, तो उन्होंने जल्दबाजी में डबिंग की हो, उसके बाद प्रॉपर डबिंग होगी नहीं होगी वो तो बात की बात है, पर ट्रेलर लेवल पर डबिंग जो है काफी काफी खराब नजर आ रही है, एवरेज भी नहीं बोलूंगा, काफी खराब नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि किसी OTT कंपनी ने बैठकर जो है सस्ती डबिंग यहां पर इस ट्रेलर की करवाई हो। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो ट्रेलर विजुअली ग्रैंड है, कुछ अच्छे विजुअल्स हैं, अच्छे सूर्या है, कमाल के सूर्या है, पर ओवरऑल कह सकते हैं कि जस्ट एक एवरेज ट्रेलर फील होता है, वो सेटिस्फैक्शन जो है ट्रेलर लेवल पर नहीं मिल पाता है। उम्मीद और आशा करते हैं कि आने वाले फिल्म के जो कंटेंट्स रहेंगे उन्हें जो है प्रॉपर ट्रेलर के तौर पे रिलीज किया जाएगा, और मैं उम्मीद और आशा रखता हूं कि मेकर्स का जो पर्पस था इस ट्रेलर को रिलीज होने का वो कंप्लीट हो जाए, ताकि हमें इस तरीके के ट्रेलर कट्स जो है आगे देखने को ना मिले। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस फिल्म के ट्रेलर को लेकर, आपका क्या ओपिनियन बनता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।